ब्लॉग की नई सीरीज और फिर से एक और सीन तैयार। मेरा भाई देखो कितना खुश है, ये मेरे तीनों सस्ते एक्टर। अभी अभी हमारा रिशु नदी में स्लिप हो चुका है। मतलब इस वीडियो के चक्कर में मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं इस समय। मेरा भाई पूरा पूरा गिर गया नदी में, अभी आधा भीगा पड़ा है। अबे यार तुझे कहाँ भेजा था? पानी लेने। कहाँ गया था? तूने कुछ और पूछा वहाँ पे? नहीं। क्या? पानी लेने भेजा था ना। अच्छा, मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं पूछ सकता था वहाँ पे? नहीं, भाई को प्यास लग रही थी। मुझे प्यास लग रही थी और खुद ने भी पानी यहीं आके पिया उसी बोतल में। मैं लेने गया था। तो तू करने क्या गया था? उसने मुझे गेट पर खड़ा करने गए थे भाई साहब, प्रोफेशनल बने हैं। और भैया ये देखो मेरे दोस्तों को प्यास लगी है। दोस्तों ये आदमी वो आदमी है, ये आदमी वो आदमी है जिसे बिल्ली को पानी दे रहा हूँ मैं और बिल्ली रखवाली कर रही है हमारे दूध की। हाँ तू बता, तू बता, तू बता आज भाई क्या बता रहा है, बताओ यार। ये सुनना है क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ये बताओ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? इस गंते अबे यार पोछा तो मैं, सही बात बता रहा हूँ। घर की तोलिया से हर कोई पूछता हूँ। तो भाई गीला गीला समूह पे लगा ले तो क्या? पहले मैं नहा के आता हूँ। अबे यार तू कैसी कच्ची करा रहा है भाई। तो भाई देखो शूट में ये सब हंसी मजाक चलती रहती है। अभी तकरीबन 30% शूट हो गया है नदी के किनारे वाला और अभी हम शूट करेंगे आगे का। तो हो सकता है शायद ये ब्लॉग का सेकंड पार्ट हो। और स्वागत करता हूँ आपका फिर से उसी सेम अपनी सीरीज से। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने खुद के चैनल पर विद ऑल माय टीम। और अभी हमारे शूट बहुत सारे रह गए क्योंकि अभी हमारे बादल का भी शूट है, बादल आ चुके हैं। और उम्मीद करूंगा भाई आपको जितनी मेहनत इसमें हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको देखने मजा आने वाला है। तो खैर अभी इन सब चीज़ों को रखते हैं एक तरफ, अपना शूट वापस स्टार्ट करते हैं। चलें भाई, भाई साहब, भाई साहब चलें स्टार्ट करें शूट। चलो सर, चलो भाई। रोहित भाई क्या कर रहा है? बचा लो, बचा लो रोहित साहब। रोहित भाई पकड़ लियो, मगर बचने आ जाते ही हो गया, मगर मैं सुन लियो रोहित भाई। हां वो अंदर रख, बस ऊपर नहीं आते, इतना ऊपर नहीं आना, पानी बड़ी तेज है भाई। भाई है ये आदमी चुल्लू भर पानी में डूबने की बात कर रहा था, इससे शॉट नहीं दिया जा रहा। चलो भाई चलो, अब करना क्या है ये तो बता दो भाई। नीचे का लग रहा है और हल्का बोलना, मुंह ना पर गई हो और दांत दिखाने हल्के। अबे यार तू रुक ना यार, थोड़ा शॉट है उसके बाद चले लियो तू। डडे 1 मिनट, 1 2 1 गो। शोल्डर दिख रहे हैं यार? शोल्डर नहीं देख रहा। ओए 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 रिसु भाई, ये पागल हो गए आज, ये पागल हो गए, ये पागल हो गए आज। डायरेक्टर साहब कुछ चमत्कार करो, इन्हें निकालो यहाँ से। उसको पार्क नहीं पड़ता, उसके मुझे सीमेंट से बनी है। कैसा है? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आजा आजा आजा, तेरे मेहनत देता हूँ तुझे, अभी रुक जा, मेहनताना देता हूँ तेरे को तेरा। चलो भाई हमारा डे टू का भी शूट हुआ है कंप्लीट और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए। सुबह से तकरीबन 6 घंटे में ऑलरेडी हो चुके हैं और यहाँ से भी चलते हैं जरा वापसी। भाई वेदर हो गया है, जो वेदर हमें चाहिए था सेम भाई वेदर हो गया है। और अगर ये वेदर बाद थोड़ी देर बारिश आ गई ना तो भाई फिर से दोबारा यहाँ पे आऊँगा, शूट करूँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा क्योंकि ये शूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा कोशिश कर रहे हैं ओथेंटिक अगर दिखे तो बहुत ही बेहतर है। चलते हैं भाई, अभी तक कुछ खाते हैं यार, थोड़ी थकान भी ज़्यादा हो गई, सुबह से कुछ खा नहीं रखा, चाय के अलावा पी नहीं रखी। तो चलो जरा चलते हैं भाई। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा सॉरी,
और यहाँ से कुनखे से हम गए 4 किलोमीटर ऊपर, पहले कुछ मैगी वैगी खा के आए अपना, और फिर उसके बाद आगे अपने भाई इस तरफ इलाके में एक दो जगह अपनी जो शूटिंग की लोकेशन है वो देखने, और लोकेशन मिल गई है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खतरा टाइप का है तो इस चक्कर में थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। आंखें पूरी लाल हो चुकी है नींद के लिए, और अभी देख रहे हैं थोड़ा सा शूट इस तरफ करते हैं, थोड़ा सा इस तरफ करते हैं, और बाकी का एक आधा इस तरफ भी करते हैं। अभी अंदर की तरफ पूछने गए हैं, अभी अगर आगे से कन्फर्मेशन मिलती है तो जाते हैं, नहीं तो भाई वापस अपना बैक टू द बेसिक्स स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ और कोई दूसरी लोकेशन वो भी देखते हैं, कोशिशें जारी हैं। रुकना थकना सब कुछ मना है। तो चलो जी, वहाँ से भी लोकेशन पसंद नहीं आई तो अब चल रहे हैं अपने लोग जरा सुंदरखाल गांव की तरफ, वहाँ पे हमने अपने नंद भाई को फ़ोन कर ही दिया है, और पीछे आ रहा हमारा रीशू भाई दिख रहा होगा, और आगे जा रही है हमारी कैमरा वाली टीम पूरी, और हमारे डायरेक्टर साहब उप निरीक्षक साहब। तो पहुँचते हैं भाई, पहले अब जरा सुंदरखालिया से बता रहा हूँ, हालत बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है यार, क्योंकि दोपहर हो चुकी है और रात भर सोए भी नहीं थे इसी चक्कर में, स्क्रिप्ट पढ़ने के चक्कर में तो और ज़्यादा दिक्कत है। तो खैर पहले अभी जरा पहुँचते हैं पहले सुंदरखाल, अभी यहाँ से सुंदरखाल तकरीबन 13-14 किलोमीटर दूर है, तो उसके बाद ही फिर आगे का कुछ सीन समझ में आ पाएगा। अब तो चलो पहले इस घने से जंगल को करते हैं बाय बाय। यार यहाँ पे शूटिंग हम कर सकते थे लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इन जगहों पे ना बहुत बार टाइगर लेपर्ड वगैरह देखे जाते हैं, तो ये सब जगह ना थोड़ी दूर से ही ठीक हैं, पास जाना ना इनमें ठीक नहीं लगता। तो चलो चलते हैं भाई। अब फाइनली लोकेशन ढूंढते ढूंढते हम अपने नंद भाई के साथ आ चुके हैं। नंद भाई ये रहे, नंद भाई व्लॉग बना रहे हो तुम सुबह सुबह? सुबह सुबह व्लॉग बना रहे हो? सुबह सुबह कभी कभी जा रहा हूँ। सही है देख रहा हूँ मैं, टेंशन ना लो। कैसे कैसे तुम दिखा रहे हो आजकल मेरे गांव में क्या चल रहा है, सब चीजें देख रहा हूँ मैं। कुछ जरूरी चीजें भाई, देखो अगर किसी को व्लॉग देखना हो सुंदरखाल से तो नंद भाई का चैनल पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, जाके देखिए बहुत जबरदस्त मजा आएंगे। अभी नंद भाई के साथ ही आया हूँ मैं, जरा पूरी की पूरी यहाँ पे लोकेशन जो अपनी बाकी का थोड़ा बहुत शूट होना है वो करेंगे हम उस तरफ पे जाके नदी की तरफ पे कोसी रिवर पे, और अभी जो है पूरा का पूरा एरिया लग रहा है शांत। तो खैर इस जगह को छोड़ के थोड़ी देर यहाँ बैठ के फिर उसके बाद चलते हैं जरा अपना उस तरफ, क्योंकि यार सही बताऊँ चेहरे से आपको देखने पे लग गए होगी थकान ना थोड़ी ज़्यादा हो गई है, पूरी रात सोई नहीं और सुबह से चल रहा अभी हमारा शूट, उसके बाद चलानी पड़ रही है बाइक, तो पैरों में भी दर्द हो रहा है और आँखें बिल्कुल हो गई लाल। खैर उम्मीद है बारिश का मौसम ज़बरदस्त होगा, फिर उसके बाद देखते हैं आगे चल के। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, बिहाइंड द सीन में एक क्लिप, ये भी लोकेशन अब बिल्कुल चेंज हो गई है, आप देख सकते हो सामने पूरे पहाड़ी पहाड़ है, देखिए सब पहाड़ है सामने, और अब लोकेशन का ऐसा हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब हम बिल्कुल पहाड़ के नज़दीक पहुंच चुके हैं, मतलब आप खुद ही देखिए, ये मेरी पूरी टीम जा रही है आगे, और मतलब कहते हैं लोग इधर शाम के समय से यहाँ मतलब सभी तरह के जंगली जानवर आते हैं, लेपर्ड बाघ सब कुछ सारे जानवर यहाँ आपको दिख सकते हैं, तो यहाँ जब भी आए आप सेफ्टी पूरी रख के आए अपने साथ। सीन मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये पूरी टीम है हमारी, ये सेटिंग से भी हंसते हैं अपनी। अभी इतनी इस जगह पे आ गए हम, और अभी यहाँ पे फाइनल अभी हमारी प्लानिंग चल रही है डे टू की, जिसमें हमारी वर्मा जी की लाश दिखने वाली है, और भाई बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं ये हमारे सुंदरखाल गांव के। अभी हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं अभी दो, और हमारे एक दूसरे डायरेक्टर साहब भी आ गए हैं, तो दोनों जने मिलकर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या करा जा सकता है, कैसे आगे वीडियो को गति प्रोवाइड की जा सकती है, देखते हैं भाई। हाँ बताओ बोलो क्यों ना, क्या कर रहे हो बताओ। अच्छा तो ये तो बताओ आप में से डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है? ठीक है प्रोड्यूसर साहब, तो जरा वो 1 लाख रुपए के चेक काट के दे देना, थोड़ी टीम को जरूरत पड़ रही है। नहीं मन नहीं है, तो चलो भाई अभी देखते हैं जरा क्या चल रहा है। हाँ नीचे का हिस्सा बिल्कुल तूने नहीं लाना है, नदी में रहता नहीं करना है, अब ऊपर का हिस्सा हिला सकता है हल्का फुल्का, वो भी बस सेटल होने के लिए, नीचे का बिल्कुल नहीं लाना, हट जाओ जरा, ठीक है ना प्रेम आ रहा सही हमारा। तो भाई बिहाइंड द सीन में एक सीन और, कुछ नया स्टोरी में ऐड किया है, अब उसी के बारे में डिस्कस चल रहा है अभी, तो
देख सकते हो डिस्कस अभी चल रहा है। जैसे जैसा डिस्कशन होता रहेगा वैसे वैसे मैं आप सबको इन्फॉर्म करता रहूँगा। अभी आगे के शॉट में आपको ऐसे दिखाता हूँ। रोहित भाई ये मॉर्निंग का सीन है ना, ये मॉर्निंग का सीन है ना। मैं तो लास्ट के ना यहाँ बैठ रहा हूँ। दोस्तों पहली बार किसी के बर्थडे की इतनी खुशी हो रही है और लास्ट देखो पहली लास्ट ऐसी है जो इतना खुशी से हंस रही है कि मैं मर रही हूँ। पर बड़ी कहते ना बड़ी मुझोर लाश है, मतलब पहाड़ से फेंक दिया, नदी में भी डुबाने की कोशिश करी, मर के नदी। अब सूखी नदी पे लेके आए हैं ये पत्थर मार के बाहर। लेफ्ट लेफ्ट टू राइट जाओगे? हाँ, यहाँ से इस तरफ जाएंगे। ठीक है भाई, दूसरा सूट शुरू हो गया है। कैमरामैन थोड़ा सा नीचे होना, पूरी पूरी मेहनत कर रहे हैं। साहब हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। आज है हमारा डे टू, उसके हिसाब से तो हमारा डे फोर और डे फाइव की शूटिंग चलनी है। और सुबह के तकरीबन 7 बज चुके हैं। सन्नी भैया की शॉप हमारी स्पॉन्सर है, तो पहले दिन की शुरुआत सीधा यहीं से करी है। मैं आ गया हूँ और अभी शायद टीम थोड़ी देर में आएगी, आधा पौने घंटे में। कल इतनी ट्रैवलिंग हुई हमारी, इतनी शूटिंग हुई, तो भाई सब जने थक गए, मैं भी थक गया था। आज सुबह 5 बजे निकलना प्रोग्राम था लेकिन ऑलरेडी 7 बज चुके हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे चाय वाय पीते हैं दोबारा, 2-3 अभी कुछ डायलॉग्स वगैरह लिखने हैं वो लिखता हूँ और फिर आगे की प्रोग्रामिंग डिस्कस करते हैं सबके साथ जैसे सब लोग आते हैं। आँखें देख के लग रहा होगी रात भर नींद नहीं, क्योंकि डायलॉग वगैरह लिखने पड़ रहे थे। खैर मेहनत जारी है अभी और दिन की शुरुआत अच्छी है। लिखते हैं डायलॉग वापस से अपने और फिर चलते हैं अपने आगे उसी जगह शूटिंग पॉइंट पर। 1 आवर डन और 1 घंटे में तकरीबन मैंने अभी 2 दिन की शूटिंग लिख दी है, बाकी का कार्य प्रगति पर है और देखते अभी टाइम लगता है। फिर से मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब पूरी लिख दूंगा ऐसे 3-4 पन्नों की। तो भाई टाइम क्या हो गया भाई मेरे? 12:41 हो चुके हैं और अब जाके पूरी टीम अभी भी आधी टीम रीयूनाइट हुई है। थोड़े डायलॉग्स वगैरह लिख दिए। भाई आ गया हमारा मन्नू भाई, डायरेक्टर साहब सामने बैठे हैं ये हंसते हुए हल्के से चेहरे से, सुबह से अपना काम निपटा रहे हैं मेरा भाई, देख रहे हो। और हमारे तुषार भाई भी आ गए हैं एडिटिंग कैमरामैन दोनों, हमारे नए पुलिस वाले भाई हमारे, और ऋतिक भाई भी आ चुके हमारे, और हमारा गोलीबाज वरुण वर्मा जी सब अभी मिसिंग है। सन्नी भाई की शॉप पे ही अपनी सारी कहानियां चल रही हैं, यहीं बैठेंगे भाई अभी। अभी थोड़ी कहानी मैक्सिमम लिख ली है लेकिन अभी ये नहीं पता कितना टाइम लगेगा, थोड़ी थकान भी ज़्यादा होगी, तो देखते हैं शायद ये शूट आज से ही कंटिन्यू करना है या फिर संडे से, जैसा भी होते हैं बताता हूँ।